ऐसी कोई सूचना वार्ता के संबंध में हम लोगों को नहीं है। हम लोग कोयला भवन में जो विभिन्न संगठन के, जिसमें हमारा CITU, ATAC, HMS के दोनों फ्रैक्शन, JMS बच्चा गुट, JMS कुंती गुट, ये ACTU के साथी, ATAC के साथी जितने भी हैं, हम लोग आज हड़ताल पे हैं। BMS का आपको विदित है कि 23 से 27 तक के लिए BMS ने कॉल किया। हमारे कॉल के बाद संयुक्त मोर्चा में शामिल CITU, ATAC, ACTU और HMS के रांची में हुए अधिवेशन के बाद जो घोषणा हुआ था 24 सितंबर के, इसके बाद BMS के लोगों ने 23 से 27 का घोषणा किया। हम लोग 24 सितंबर के दिन आज जितने भी पांचों संगठन हैं वो उसके कॉल पर हड़ताल में हैं। हड़ताल पूर्ण रूपेण सफल है, यहाँ ही नहीं बल्कि कोलेरी इलाकों में भी पूरी तरह से सफल है। और हमको खुशी है कि नरेंद्र मोदी का ये जो तानाशाही रवैया है, नरेंद्र मोदी का ये जो नादिरशाही फरमान है, नरेंद्र मोदी का जो हिटलरशाही कदम है, उसका विरोध कोयला मजदूरों ने डट करके किया है। और आने वाले दिनों में यदि इस हड़ताल से इस सरकार कोई सबक नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में और भी भयानक आंदोलन का उनको सामना करना पड़ेगा। इसकी ताकीद कोयला मजदूर कर चुका है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये हड़ताल जो है वो अमूमन पेट के सवाल पर कोयला मजदूर हड़ताल करता था, अमूमन जो है बोनस के सवाल पर, वेतन वृद्धि के सवाल पर, वेतन निर्धारण के सवाल पर कोयला उद्योग में हड़ताल हुआ करता था। ये पहला हड़ताल है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ा जा रहा है। ये जो FDI का कॉल है, मुख्य मांग आपने जैसा कहा कि आपकी मुख्य मांगे क्या है, हमारी मुख्य मांग सिर्फ एक है, कोयला उद्योग को फिर से गुलामी से बचाओ, कोयला उद्योग को फिर से प्राइवेटाइजेशन से बचाओ, कोयला उद्योग को फिर से निजीकरण से बचाओ, कोयला उद्योग में फिर से मालिक लोग का जो गुंडागर्दी था वो न शुरू हो जाए इससे बचाओ, कोयला उद्योग में जो माफियागिरी था वो न शुरू हो जाए इससे बचाओ। और इसी के लिए FDI का विरोध जो है वो पूरे कोयला, एक एक कोयला मजदूर FDI का विरोध कर रहा है। उत्पादन को कितना प्रभावित किया आप लोगों ने? उत्पादन पूरी तरह से ठप है, डिस्पैच पूरी तरह से ठप है।